जब इस तरह का डायनेमिक सामने आता है तो डेफिनेटली उनके तो फिर बिलियंस में जाएंगे, ठीक है, आपके कम हो जाएंगे। अब क्योंकि आप उसके आगे उसके वाइस वर्सा प्ले कर रहे हैं। आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि इंडिया की हर चीज़ बढ़ रही है, कोई फॉरेन एड क्यों चाहिए होती है हमें कुछ बड़ा करने के लिए, तो या इट्स आई गेस अ बिग थ्रेट टू पाकिस्तान, बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा हमारे रीजन में, जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है ना इंडिया में, तब से वो हर चीज में डेवलपमेंट करते जा रहे कंटिन्यूअसली इंक्रीज होंगे, इसके बारे में क्या कहें? देखिए जी, एक बंदा बिजनेस करता है, छोटा बिजनेस करता है, उनकी जितनी मिनिस्ट्री है, जितनी उनकी गवर्नमेंट्स हैं, आप पिछले दिनों में देखें बिजनेसमैन जो हैं वो अपने आप को सिक्योर जरा वो नहीं फील करते, वो कहते हैं यार पैसा है, ओवरसीज़ जो हैं वो भी सोचते हैं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी दें उन्हें तो वो भी आपके मुल्क में भेजेंगे पैसा, जब भेजेंगे तो हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारतीय बैंक HDFC दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है, और यह भारत के लिए कितनी बड़ी बात है ये बात आप सोच भी नहीं सकते। लॉकडाउन जब लगा तो ये हमें पता ही नहीं था कि ऑनलाइन बिजनेसेस को किस तरह से लेकर चलना है, तो ये हमारे ड्रॉबैक्स है, वी शुड वर्क ऑन देम। 70+ years हो गए, कोई increase, कोई diversity नहीं है इतने। अब दरअसल हाल ही में HDFC का मर्जर हो चुका है, और इसी की वजह से जो HDFC बैंक की वैल्यू है वो बढ़कर 14,00,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, और यही कारण है जिसकी वजह से HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। और यह खबर भारत के लिए कितनी बड़ी खबर है ये बात तो आप इसी चीज से समझ लो कि आज से पहले जो SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक था उसकी रैंकिंग भी दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की लिस्ट में तकरीबन 46वें 47 पायदान पर आती थी, और अगर वहीं पर हम HDFC बैंक की बात करें तो उसकी रैंकिंग तो लगभग 50वें पायदान के आसपास आती थी। तो अब आप यहां पर समझ सकते हो कि कितना बड़ा मर्जर हुआ है कि HDFC भारत का वो पहला बैंक बन चुका है जो कि दुनिया के 10 सबसे बड़े बैंकों की लिस्ट में आ चुका है, और सबसे बड़े बैंकों की लिस्ट में चौथे पायदान पर आ चुका है, जबकि जो SBI है वो HDFC से बहुत ही ज्यादा पीछे हो चुका है क्योंकि HDFC की वैल्यूएशन लगभग डबल हो चुकी है। लेकिन अगर हम भारतीय बैंकों की संपत्ति के बारे में बात करें तो उस हिसाब से SBI आज भी टॉप पर आता है, और SBI की संपत्ति तकरीबन 700 बिलियन US डॉलर से ज्यादा की है। वहीं पर अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो उसकी जो संपत्ति है वो तकरीबन 400 बिलियन US डॉलर के आसपास है। अब यहाँ पर आप ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार HDFC बैंक का मर्जर किस कंपनी के साथ या किस बैंक के साथ हुआ है, तो देखो यहाँ पर आप समझ लो कि HDFC बैंक का मर्जर नहीं हुआ है, बल्कि HDFC बैंक की जो मातृ कंपनी है HDFC लिमिटेड, उसका मर्जर हुआ है HDFC बैंक में। और इसीलिए HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के इस मर्जर को एक रिजर्व मर्जर कहा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर ये एक उल्टा मर्जर हुआ है, क्योंकि आज से पहले भी जब आपने किसी कंपनी के मर्जर के बारे में सुना होगा तो आपने यही सुना होगा कि जो मातृ कंपनी होती है और उसकी जो सहायक कंपनी होती है तो वो सहायक कंपनी उस मातृ कंपनी में जुड़ जाती है और वो मातृ कंपनी और भी ज्यादा बड़ी बन जाती है। लेकिन HDFC के केस में ये उल्टा हुआ है, क्योंकि HDFC बैंक एक सहायक कंपनी है और जो HDFC लिमिटेड है वो उसकी मात्र कंपनी है, लेकिन जो मात्र कंपनी है वो सहायक कंपनी में जाकर जुड़ चुकी है। अब यहाँ पर शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि दरअसल ये HDFC लिमिटेड है क्या, तो सबसे पहले इसके लिए आपको HDFC का फुल फॉर्म समझना होगा। तो HDFC का फुल फॉर्म है हाउस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और इसी हिसाब से HDFC लिमिटेड काम करती थी। HDFC लिमिटेड हाउसिंग की फील्ड में होने वाले सभी कामों में फाइनेंस की सुविधा प्रदान करती थी। सीधे शब्दों में आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हो कि थोड़े थोड़े इसके काम LIC के जैसे भी थे। HDFC लिमिटेड की स्थापना 1977 में की गई थी, और फिर इसी नाम के आधार पर 1955 में उन्होंने अपनी सहायक कंपनी HDFC बैंक की स्थापना की, और उस समय से लेकर मर्जर के पहले तक पूर्णतः आजादी से ये दोनों कंपनियां चलती थीं। इनके अलग अलग एम्प्लॉय थे, इनकी अलग अलग शाखाएं थीं, और तो और जो इनके हेड थे वो भी अलग अलग थे। लेकिन अब क्योंकि HDFC लिमिटेड को चलाने में बहुत सारी परेशानियां आने लगी थी, और इसमें से एक सबसे बड़ी परेशानी ये भी थी कि जो HDFC लिमिटेड के हेड थे, जिनके अंतर्गत पूरा HDFC लिमिटेड चलता था, वो अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और उनकी अब रिटायरमेंट की एज हो चुकी थी। तो कई और समस्याओं के साथ साथ इस मुद्दे पर भी विचार चलता रहता था कि आखिरकार अब इनके बाद कौन वो व्यक्ति होगा जो कि HDFC लिमिटेड को संभालेगा, और अगर संभालेगा तो इनके जैसे अच्छे से संभाल भी पाएगा या फिर नहीं संभाल पाएगा। तो इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए फाइनली ये फैसला किया गया कि अब हम HDFC लिमिटेड को HDFC बैंक में मर्ज कर देंगे। तो अब इस मर्जर के बाद HDFC लिमिटेड की जितनी भी शाखाएं थी, जितने भी ATM थे, वो सब के सब ऑटोमेटिकली ही HDFC बैंक के हो चुके हैं। साथ ही साथ इनके जितने भी एम्प्लॉय थे वो भी ऑटोमेटिकली ही अब HDFC बैंक के एम्प्लॉय बन चुके हैं।
अब एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि ये 630, 650 या 700 तक जा सकते हैं, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होंगे, इसके बारे में क्या कहें? देखिए जी, एक बंदा बिजनेस करता है, छोटा बिजनेस करता है, उनकी जितनी मिनिस्ट्री है, जितनी उनकी गवर्नमेंट्स हैं, आप पिछले दिनों में देखें, उनके एक मिनिस्टर ने असले में कमीशन ली तो उन्होंने वो पूरी दुनिया के सामने अपने मिनिस्टर्स को ले आए। हमारे आए दिन ये मसाइल हो रहे हैं, फलाना मिनिस्टर ले रहा है, फलाना ले रहा है, फलाना ले रहा है। अभी एक प्राइम मिनिस्टर हमारा ईमानदार है, ठीक है, लेकिन वो बेचारा ईमानदार भी क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी पूरी सीरियल जो है ना वो बेईमान है, और वो सीरियल जो है ना हमें नुकसान पहुँचा रही है, और उसके अगेंस्ट जो है ना जिसके पास पैसे हैं वो पैसे से पैसे बनाएगा, उनके पास वो एसेट है वो उनसे एसेट बना रहे हैं, वो ज़ाहिर है ग्रोथ करेंगे, हमारे पास नहीं है, हमारे पास सूद की इंटरेस्ट इतनी है, जो हमारे पास पैसा होता है हम उसे सूद की शक्ल में दे पा रहे हैं। हम तो पंजाबी में ना डंग टपाने वाला काम कर रहे हैं, टाइम टप जाए बस ठीक है, वो इस किस्म की छोटी हरकतें करेंगे, उनके पास टाइम नहीं है, ये काम वो लोग करते हैं जो खाली बैठे होते हैं, काम कोई होता नहीं है। तो टेंशन फ्री किस्म की कौम जो होती है ना वो ये काम करती है कि चलो कोई ना कोई काम काज है, ना फैक्ट्रीज ओपन करनी है, ना ट्रेड करना, तो चलो साजिशें ही कर लेते हैं। और ये हमारी बड़ी पुरानी आदत है, हमारे यहाँ कुछ भी होता है हम बगैर सोचे समझे बगैर इन्वेस्टिगेट किए जो है वो इंडिया के ऊपर नाम लगा देते हैं कि जी पहले हमारे यहाँ ब्लास्ट वगैरह होते थे या कुछ भी, तो हम कहते थे ये इंडिया का रहा है। आप सर, जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है ना इंडिया में, तब से वो हर चीज में डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। इकोनॉमी को जो डेवलप करने वाले जो थिंक टैंक्स हैं वो इस पे काम करते हैं, वो डेवलप करते हैं कि जी अगले 20 साल में आपने क्या कहा क्या करना है, अगले 10 साल में आपने किन इंडिकेटर्स को उठाकर 0 से या 10 से या 20 से ऊपर लेकर जाना है, उन इंडिकेटर्स पे काम करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमने किन इंडिकेटर्स के अगेंस्ट इकोनॉमी को डेवलप करना है। That's it. तो हमें अगर ये चीजें कर लेंगे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, हमारे इंडिकेटर्स बेहतर हो जाएंगे, हम भी अपने हमसायों के साथ बैठ के ये बात कर सकते हैं जी देखें हमारे इतने बिलियंस और ट्रिलियंस के जो है एक्सपोर्ट हमने एनुअली। कि हमें तैयार किया जाता है किसी भी जॉब के लिए, आप भी अगर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको कहते हैं जी जॉब अच्छी मिलनी चाहिए, कोई ये नहीं कहता कि बिजनेस अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप बिजनेस करेंगे जॉब क्रिएशन होगी, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, डिफरेंट चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है ना। जब आप जॉब करेंगे आप कहेंगे 9 to 5 जाना, काम 2 घंटे गिनते रहेंगे, बस घंटे पूरे हों तो मैं निकलूँ यहाँ से, तो आप इस तरह कोई बात तो नहीं है। जिस चीज़ का शौक हो इंसान को वो करना चाहिए, और फिर ही सक्सेस मिलती है, और कौमें इसी तरह बनती हैं अगर आप अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं, अगर आप अपने अपने वो कहते हैं ना कि आप नेशनलिस्ट होकर काम करते हैं, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो सेट, अगर आपके गोल्स बिल्कुल सही सेट हो गए ना, तो आप तभी कौमें और इंसान तरक्की करता है। खैर, HDFC बैंक के मर्जर के बाद जो इतना बड़ा इतिहास रचा गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।